ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी लिटरली 2019 के अंदर, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरे दोस्त थे वो कहाँ पे गए थे, वो तस्मानिया गए थे, वहां पे जाके वो गायें चराते थे, सुबह सुबह 3 बजे उठते थे और गाय सारी गायें वो मज्जा जो थे वो लेके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज कुछ टॉपिक पे बात करते हैं जो यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। खैर, आज मैं आया हूँ, ये एक सेंट्री स्टोर है सोलिया के अंदर, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेंट्री स्टोर होते हैं, हम छोटी छोटी शॉप्स पे जाकर बाय करते हैं, ये वो है, इसमें काफ़ी बहुत बड़ा मार्केट है। खैर, मुद्दे की बात ये है कि स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि भाई कनाडा अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर कैसे मिलेगी और कौन सा कोर्स चूज कर लें जिसमें जल्दी से हमें पीआर मिल जाए, और जल्दी जल्दी हमें ना डिटेल्स बता दें और हमें मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें, मैंने आपसे बात करनी है। रुको भाई रुको, नंबर वन तो ये है कि आप डायरेक्टली कभी भी किसी से व्हाट्सएप नंबर नहीं मांगे, राइट? आप डायरेक्टली कभी किसी को नहीं बोले कि यार हमें, आई नो कि पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन बाहर आके लोग ये चीज़ें सीख लेते हैं। बाहर के जो लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी बिजी होती है, उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जॉब भी करनी है, स्टडी भी करना है, अपना खाना भी बनाना है, अपने कपड़े भी धोने हैं, अपने सारे मामला देखने हैं, राइट? तो उनके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो सब लोगों को जो है ना अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है। मेहरबानी, अगर आप लोगों को बात करनी होती है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर दे दें, आपके अंदर गुरूर बढ़ाए, आप हमें व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं, आप हमें मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। जब आपके पास हजारों के हिसाब से, सौों के हिसाब से लोगों के मैसेज आएंगे, तो आप किस किस को रिप्लाई करेंगे और किस किस को समझाएंगे? इसलिए हम आप लोग, और डायरेक्टली लोग क्या कहते हैं यार, बाकी बातें छोड़ो, आई लाइक दिस किचन सेटअप, ये बड़ा प्यारा लगा है, देखो रैंडमली ऐसा, ये सारे किचन सेटअप है, आपको मॉडल दिए गए हैं सारे। खैर, मैं कुछ लेने आया था लेकिन बात कहीं और पहुंच गई। तो आप लोगों ने अगर एनीवेज, अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप देखिए, आप पहले खुद जो है ना रिसर्च करें। मैंने हजारों बार बोला है, और कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, तो वो आपको कहता है कि इसमें ऐसे पीआर हो जाएगी, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है। लिटरली किसी भी स्टेट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाएंगे ना, तो वहां पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि अगर आप लोग जाएं और आप वहां पे स्टडी करें और आपके डायरेक्ट पीआर हो जाए। लोग 8-8, 10-10 साल से लगे होते हैं और उनकी पीआर नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल लगाते हैं और उनकी पीआर हो जाती है। उसमें सारे लक की खेल होती है, नंबर एक और नंबर दो, लक के साथ साथ उनकी जो है ना एक स्ट्रगल होती है। सो हर बंदे का ये सिनेरियो नहीं होता। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर 10-10, 12-12 साल से, लेकिन उनकी पीआर नहीं हुई, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3 साल से उनकी पीआर भी हो गई है, सिटीजनशिप भी हो गई है। तो इसमें आपकी लक भी आ जाती है और आपकी हार्ड, जो आप हार्डवर्क करते हैं वो भी आ जाता है, प्लस गवर्नमेंट के रूल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स हैं। तो आप जिस स्टेट के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, सरहद, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी 4 से 5 ये यहाँ के डिफरेंट स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के जो है ना वो डिफरेंट जो है ना उनके रूल्स हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर चले गए ना, अगर उस स्टेट के अंदर रूल्स हैं वो ईजी हो गए हैं, तो आपको अगर पता चल गया, तो अगर आपका लक चल गया और आपको पीआर मिल गया, तो ये मतलब नहीं है कि हर बंदे के साथ वही हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे जो फ्रेंड थे, जो हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी लिटरली 2019 के अंदर, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मेरे दोस्त थे वो कहाँ पे गए थे, वो तस्मानिया गए थे, वहां पे जाके वो गायें चराते थे, सुबह सुबह 3 बजे उठते थे और गाय, सारी गायें वो मज्जा जो थे वो लेके आते थे, उनका दूध दोते थे, उसके बाद उनको नहलाते थे, उनका गोबर साफ करते थे, राइट? वो सारी चीजें करते थे और उसके बाद जाके उनको पीआर मिली। 2 साल उन्होंने वहां पे मेहनत की और सिडनी के अंदर अच्छी खासी जॉब करते थे। तो ऐसी भी स्टोरीज हैं, और ऐसी भी स्टोरीज है जिनको ऑफिस में जॉब मिली है। मैंने भी ऑफिस में जॉब की है, ऑफिस में जॉब करके छोड़ दी है, राइट? तो ये सब वो चीजें हैं कि जो हर किसी की किस्मत में नहीं होती, जो हर बंदा जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन स्ट्रगल और आपके राइट डिसीजन, राइट टाइम, राइट डिसीजन अगर आप ले लेंगे, तो आपकी लाइफ जो वो जो एक अच्छे पॉइंट की तरफ से ले जाती है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट कहता है कि यार देखो आप ऐसा करो, आप इस कोर्स में चले जो मैं आपको यहाँ पे भेज देता हूँ, पीआर हो जाएगी, आप बोलें ठीक है, लेकिन आप जो है ना अपनी जाके सारी पहले रिसर्च कर लें, रिसर्च करने के बाद जो है ना आप उसके साथ हामी भरे, और प्लस ये भी बात माइंड में रखें कि मैंने जाके स्ट्रगल करनी है, पीआर हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट मैं पाकिस्तान से बाहर जाके स्ट्रगल तो करूंगा ना, इंडिपेंडेंट तो हो जाऊंगा ना, अपना कमाना तो शुरू कर दूंगा ना, और उसके बाद जाके फिर आपको कोई लग काम कर सकता है। नहीं कह रहे कि आप मत आओ, आप आओ, लेकिन कंसल्टेंट की बात पे अंधाधुंध इतबार नहीं करो। नंबर दो, खुद की रिसर्च करो। आपको पता होना चाहिए आप किस कोर्स में जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आओ, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाओ। अब देखो मुझे यार,
पिछले काफी दिनों से कुछ लड़के मैसेजेस कर रहे थे, उनमें एक लड़का ऐसा था बेचारा इतना परेशान था कि वो मेलबर्न के किसी रीजन में चला गया, ना उसको जॉब मिल रही थी और ना उसकी अकोमोडेशन का हिसाब लग रहा था। बेचारा इतना बिजी फेड अप हो गया था कि फिर कम्युनिटी के लोगों ने उसकी हेल्प की और उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो भी कंसल्टेंट ने कैंसिल करवा के पैसे ले लिए हुए थे। कैन यू इमेजिन यार कितना लोगों का फ्रॉड किया जाता है। उनका कोई हेट नहीं है, अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करता उसकी कुछ रीजंस है, मेरे पास इतने मैसेज होते हैं और टाइम बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज होती है और उस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। मोस्टली जितने भी लोगों मुझे मैसेजेस करते हैं उनके सेम क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप कंसल्टेंट को मिलें, उनसे बात करें, उन्हें जाकर अपने केस बताएं, उसके बाद खुद की रिसर्च करें और उसके बाद जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करें। एंड उनकी बात सुन के उन पर अंधाधुंध एतबार नहीं करना। और जब ऑस्ट्रेलिया आना है, ग्राउंड रियलिटी आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की जुबान कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि रात के 12 बजे दोस्त को फोन किया, चला भाई ढाबे पे चाय पीने चले। यहाँ पे सारे बिजी होते हैं और कोई यार दोस्त यहाँ पे आपको नहीं मिलता, सारे बिजी के बिजी, वीकेंड पे सारे इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा जो है ना मुश्किल से लोग जो है ना वो एक दूसरे को मिलते हैं, राइट। तो ये ही यूरोप की लाइफ ऐसी ही है, पाकिस्तान की लाइफ से बड़ी डिफरेंट है। यूरोप की लाइफ ऐसी ही है और दुनिया भर में भी ये सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स कमाते हैं लोग, कमाने आए हो ना तो यार मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जब कुछ बन जाओ फिर देख लो। बट अगेन ये बात डायरेक्टली मत कहना शुरू कर दो कि यार आप लोग हमें रिप्लाई नहीं करते, आप लोग पता नहीं क्या समझते हो खुद को। उसकी रीजन है कि यार हम लोग इतना बिजी होते हैं कि टाइम नहीं होता, लेकिन स्टिल जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली उनको यहाँ पे जब वो आ जाते हैं, मैं बजाते खुद उनको उनसे बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनकी चीजें बता देता हूँ, उनको कॉलेज में हेल्प कर देता हूँ, अगर चेंज करना हो उनको बंदे से रब्ता करवा देता हूँ ताकि यार अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाए, राइट। तो बड़ा मेहरबानी इस चीज़ पे अमल करें इंशाल्लाह। एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं मुझे मैसेज करें, और अगर आप मेरे सिटी के अंदर हैं आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अगर आपको कोई परेशानी है मुझे जरूर बताएं, अपने भाई होने के नाते आई विल हेल्प यू एज मच एज कैन।